भारत के गौरवान्वित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रधानमंत्री किसान योजना का 13वां इंस्टॉलमेंट रिमोट के जरिए रिलीज करेंगे, जिसका मूल्य होगा 16,000 करोड़। With due respects to the chair, I request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to release the 13th installment of Prime Minister Kisan Samman Nidhi worth rupees 16,000 crores. तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आपने वीडियो में भी देख लिया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 2,000 रुपया यहाँ पे अगली किस्त 13वीं किस्त जारी कर दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से। बटन दबाकर सभी लोगों के बैंक खाता में डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर हो चुका है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं मेरा पेमेंट आया था उसको दिखाया था, तो बहुत सारे लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि मेरा में तो नहीं आया है, आपका में कैसे आ चुका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत सारे लोगों का पेमेंट प्रूफ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं बनाया था तो बहुत सारे लोग भी मुझे मैसेज करके इंस्टाग्राम में मैसेज के भेजे हुए हैं, मेरा आ गया बल्कि स्क्रीनशॉट मैं सभी लोगों को भेजने बोला। तो आज किस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं और किन किसानों को पैसा मिला और किन किसानों को नहीं मिला है वो भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आखिरी तक बने रहना। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे पेमेंट प्रूफ दिखा देता हूँ, बहुत सारे किसानों के खाता में कल आ चुका है। ये दोस्तों मेरा है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि 2,000 रुपया आ चुका था यहाँ पे 5:43 में, जैसे यहाँ पे देखते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा देख सकते हो, 2,000 रुपये यहाँ पर भी देखते हो बैंक ऑफ इंडिया में खाता में आया है, साफ साफ आप स्क्रीन पर भी देखते हो, जो कि दोस्तों रांची जिला में झारखंड से ही है। जैसे यहाँ पे देखते हो रांची लिखा हुआ है, साफ साफ आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे देखते हो, ये भी दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट हुआ है। देखते हो पीएम किसान सम्मान निधि योजना 27 तारीख को है, जैसे कि यहाँ पे देख भी सकते हो साफ साफ दिया है। टाइमिंग दोस्तों 7:30 बजे, जैसे कि यहाँ पर देख भी सकते हो कि 7:30 बजे यहाँ पे पेमेंट आ चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हो यहाँ पर भी और पैसा आ चुका है डीबीटी के माध्यम से, जो भी पैसा आया है ये भी दोस्तों 8 बजे के करीब पैसा आ चुका है। जैसे यहाँ पे देखते हो ये SBI के खाता में है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी देख सकते हो ये भी पैसा आया है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे पेमेंट प्रूफ है, जैसे यहाँ पे देखते हो 27 फरवरी को मैंने बैंक स्टेटमेंट भी मांगा तो साफ साफ यहाँ पे 2,000 रुपया ऐड हो चुका है पीएम किसान, ये दोस्तों रांची का है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। साफ साफ दोस्तों बहुत सारे लोग मेरे पे यहाँ पे भेजे हुए, जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यहाँ पर साफ साफ देखते हो बहुत सारे लोगों को पैसा ट्रांसफर हो चुका है, देख सकते हो। यहाँ पर भी देख सकते हो कि 27 फरवरी को पैसा मिल गया है। ऐसे दोस्तों मेरे पास बहुत पेमेंट प्रूफ है, दिखाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए आपको बताता हूँ कि किन किन किसानों को पैसा मिल चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि आपको अभी तक पैसा क्यों नहीं मिला। हो सके तो दोस्तों आपके डीबीटी के माध्यम से पैसा दिया गया तो आपके आधार कार्ड में बैंक खाता लिंक नहीं है, या तो दोस्तों आप आधार स्टेटस चेक करते हो तो वहाँ पर भी बैंक लिंक नहीं दिखाता है। हो सके तो दोस्तों दूसरा रीजन कि आपका लैंड रिकॉर्ड नो दिखा रहा है या तो EKYC नहीं दिखा रहा है। अगर दोस्तों आपका सब कुछ वेरीफाई है लेकिन आपका स्टेटस में खाली दिख रहा है तो आप अपना बैंक अकाउंट चेक जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बैंक खाता में मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहता है, और लिंक भी रहता है तो मैसेज नहीं आता है जिसे पता नहीं चलता है। तो एक बार अपना बैंक खाता चेक करें, क्योंकि कल के दिन में सभी लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखते हो साफ साफ ट्रांसफर करने का डेट भी दे दिया है, बाकी मैं लाइव वीडियो भी शुरू में आपको दिखा दिया। तो दोस्तों आप अपना बैंक खाता एक बार जरूर से जरूर चेक करें, सभी लोगों को 2,000 रुपया अगली किस्त पीएम किसान का यहाँ पे पैसा मिल चुका है।